अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इंस्ट्रूमेंट गुरु मेडिसिनल। आज हम इस केबल ट्रे में 200 केबल ट्रे में एक राइजर राउंड टाइप 90 डिग्री एंड एक इक्वल 90 डिग्री एंड 200 एमएम केबल ट्रे में 100 एमएम रिड्यूसर बनाने का सिंपल फॉर्मूला थ्योरी इस वीडियो में शेयर करूँगा। सो प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखिए। तो शुरू करता हूँ इसका 200 एमएम केबल ट्रे में 100 एमएम रिड्यूसर बनाने के लिए मेजरमेंट। तो अब अगर आपको 200 एमएम केबल ट्रे में 100 एमएम रिड्यूसर बनाना चाहता है तो उसमें मुंडी में केबल ट्रे का एंड में आप कितना चाहिए वो हिसाब से आपको रखना है। और यह है 200x100 एमएम कलर केबल ट्रे है। तो हम इधर 120 एमएम रखा है, हमको 120 एमएम चाहिए। इसके लिए हम 120 एमएम में इधर मार्किंग किया, देखा इधर 120 एमएम में मार्किंग किया। देन इसको ट्रे का साइड से 100 एमएम में मार्किंग कर लेना है, क्योंकि ये 100 एमएम रिड्यूसर बना रहा है। तो इस तरीके से इसको 100 एमएम में मार्किंग कर लेना है। तो सीधा 100 एमएम में मार्किंग करके देन इसको इसका जो फार्मूला है, जो 100 एमएम को हम 1.414 करेगा तो इसका ट्रैवलिंग पॉइंट निकलेगा 141 एमएम। तो इस तरीके से इसमें 100 एमएम इस मार्किंग से 100 एमएम में मार्किंग कर लेना है। फिर मार्किंग करके ये मार्किंग से 140 एमएम में मार्किंग करना है। देख सकते हैं इस तरीके से इसको 140 एमएम में मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करके इसको सीधा जो 100 एमएम रिड्यूसर बना रहा उधर तक मार्किंग करके इस तरीके से इसको जो 140 एमएम मार्किंग किया उधर से राइट एंगल का थ्रू इसको 45 डिग्री में मार्किंग कर लेना है। इसमें इस तरीके से इसको मार्किंग कर लेना है। देन इसको ये जो इसको कलर का साइड में भी मार्किंग करना है, क्योंकि हमको कलर का साइड में थोड़ा सा कलर को ऑनली दागी लगाना है, थोड़ा सा कलर को काटना है। तो इस तरीके से कलर का साइड में भी आपको मार्किंग कर लेना है। और मैं इसको कटिंग करके भी बना के मेकिंग करके आप लोग को दिखाऊंगा किस तरीके से इसको कटिंग करना है। तो ये जो कलर का साइड में बी टाइप मार्किंग किया इसको बी कटिंग करना है, और जिसको सीधा मार्किंग किया उसमें सीधा में कटिंग करना है। देन अभी ये जो ट्रे का एंड से 600 एमएम डिस्टेंस में एक 90 डिग्री मेकिंग करना है। तो 600 डिस्टेंस में जब 90 डिग्री मेकिंग करना है, इसमें जो ट्रैवलिंग पॉइंट 100 एमएम 50 एमएम ट्रैवलिंग पॉइंट रख के एक 90 डिग्री बनाएगा। तो इसके लिए इसका जो ट्रैवलिंग पॉइंट है उसका डिस्टेंस 600 से, ये 600 जो डिस्टेंस है उसमें से ये इसका ट्रैवलिंग पॉइंट निकाल देना। तो किस तरीके से इसको निकालना है, ट्रैवलिंग पॉइंट 150 एमएम को आप 0.7 इंटू करेगा तो इसका ट्रैवलिंग पॉइंट निकल जाएगा। तो इसका ट्रैवलिंग पॉइंट आएगा, ट्रैवलिंग पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो आएगा 105 एमएम। तो 600 से 105 एमएम माइनस कर देना है, 600 से 105 एमएम माइनस करना है आपको। जब 600 से 105 एमएम माइनस करेगा सो इस तरीके से इसको माइनस कर लेना है। अब आपका जो केबल ट्रे मेकिंग करेगा उसमें कितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस से ट्रैवलिंग पॉइंट को माइनस कर देना है, ट्रैवलिंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो माइनस कर देना है। तो देन देख सकते हैं ये ट्रे है 200 एमएम, तो इसका ट्रे का साइज़ भी उसमें से माइनस करना है। जब ये ट्रे का साइज़ एंड ट्रैवलिंग पॉइंट माइनस करेगा तो इसका निकल आएगा 600 से, जब ये सब माइनस करेगा ट्रैवलिंग पॉइंट एंड ट्रे का साइज़ तो हमारा बचेगा कितना 295 एमएम। तो ये ट्रे का एंड से 295 एमएम में कंटिन्यूसली मार्किंग करना है। तो इस तरीके से इसको 205 एमएम में हम 295 एमएम में मार्किंग कर लिया, और ये ट्रे का साइज़ है 200 एमएम। तो इसका जब हम इक्वल 90 डिग्री बनाएगा इसका कटिंग आएगा 80x80 एमएम करके। तो इस तरीके से 80x80 एमएम करके उसको मार्किंग करना है, क्योंकि देन इसका ट्रैवलिंग पॉइंट छोड़ना है 150 एमएम। ये जो लास्ट मार्किंग है देख सकते हैं, ये मार्किंग से 150 एमएम में मार्किंग करके ट्रैवलिंग पॉइंट छोड़ना है। फिर इसमें से 80 में मार्किंग करना है, 80x80 में मार्किंग कर लेना है। तो मार्किंग करके इसको बी मार्किंग कर लेना है, कौन सा साइड में आपको राइट साइड में चाहिए या लेफ्ट साइड में चाहिए, कौन सा साइड में आपको 90 डिग्री चाहिए उस तरीके से इसको मार्किंग कर लेना है। जैसे कि यह हमको लेफ्ट का तरफ मुड़ना है तो इसको हमको राइट साइड में चाहिए, इसके लिए इसको इस तरीके से इसको बी मार्किंग कर लेना है।
देख सकते हैं। तो ये सिंपल थीरी है, मैं फिर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप 90 डिग्री मेकिंग कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस में आपको एक 90 चाहिए, तो वो डिस्टेंस से आपका ट्रे का जो 90 का जो ट्रैवलिंग पॉइंट देन ट्रे का साइज माइनस करना है। तो ट्रे का ट्रैवलिंग पॉइंट का जो डिस्टेंस वो निकलने के लिए कितना mm में आपको ट्रैवलिंग पॉइंट रख रहा है, या 100 mm रख रहा है, 120 mm रख रहा है, या 200 mm रख रहा है, तो आपको जितना ट्रैवलिंग पॉइंट चाहिए उसके साथ इंटू 0.7 करना है, तो इसका ट्रैवलिंग पॉइंट निकल जाएगा। इंटू 0.7 करेगा तो आपका इजी से इसका ट्रैवलिंग पॉइंट निकल सकता है। तो वो ट्रैवलिंग पॉइंट को प्लस इसका ट्रे का साइज, ये दोनों ऐड करके, ट्रैवलिंग पॉइंट एंड ट्रे का साइज ऐड करके, तो जितना डिग्री में आपको 90 चाहिए, सॉरी जितना डिस्टेंस आपको 90 चाहिए, तो वो डिस्टेंस इसमें से माइनस कर देना है। वो डिस्टेंस से ट्रैवलिंग पॉइंट देन ट्रे का साइज माइनस कर देना है। जब माइनस कर देगा तो इसका डिस्टेंस मिल जाएगा, और डिस्टेंस आपको कंटिन्यूसली मार्किंग करना है ट्रे का एंड से। तो कंटिन्यूसली इसको इस तरीके से मार्किंग कर लेना है, देन इसको भी मार्किंग करके इसको प्रॉपर तरीके से कट करना है। 1 mm कटिंग उल्ट से फफत तरीके से इसको कटिंग करना है। अभी जो है ये जो 90 के बाद हमको एक राइजर राउंड टाइप 90 डिग्री मेकिंग करना है। तो इसका उसका जो थ्योरी है वो थ्योरी भी मैं शेयर करने वाला हूँ। तो इसको मार्किंग कंप्लीट करके प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, और वीडियो का एंड तक देखिए। इसको मैं मेकिंग करके, कटिंग करके बना के दिखाऊंगा किस तरीके से इसको कटिंग करना है और किस तरीके से इसको बनाना है। और कटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो मार्किंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से कटिंग नहीं करेगा तो जब 90 डिग्री बनाएगा उसका 90 का बीच में उधर गैप आ जाएगा। तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से उसको कटिंग करना है। देख सकते हैं वीडियो का शुरुआत में मैं दिखाया जो एकदम परफेक्ट एक 90 डिग्री बना के देखा, वीडियो का एंड में भी मैं दिखाऊंगा किस तरीके से इसको बनाया। देन देख सकते हैं इसमें 80x80 में कटिंग किया, और ट्रैवलिंग पॉइंट भी हमने 100 mm रखा। तो अभी 740 mm डिस्टेंस में, 740 mm डिस्टेंस में हमको एक राउंड टाइप 90 डिग्री बनाना है। तो जब राउंड टाइप 90 डिग्री बनाएगा इसका डिस्टेंस निकलने के लिए, और इसका डिस्टेंस जो है देखिए, जो जब हम इक्वल 90 डिग्री बनाया उससे उसका जो ट्रैवलिंग पॉइंट उसका जो डिस्टेंस ऑन माइनस कर देंगे। तो इसका डिस्टेंस माइनस करने के लिए क्या करना है आपको, ट्रैवलिंग पॉइंट कितना रखेगा, ये जो राउंड टाइप जो 90 डिग्री बनाएगा उसका ट्रैवलिंग पॉइंट कितना रखना है वो पहले वही डिसाइड करना है। तो देखिए कि हम 200 mm ट्रैवलिंग पॉइंट रख रहा है, तो ये ट्रैवलिंग पॉइंट को हम 0.0 करके, फिर 0.7 करके, इंटू 0.7 करके उसका ट्रैवलिंग पॉइंट निकल के ये 740 mm से माइनस कर देगा, जो नेक्स्ट 90 का जो इक्वल 90 डिग्री बन रहा है, इक्वल 90 डिग्री बनाएगा उससे। तो 0.7 जब करेगा आप 200 को, तो इसका ट्रैवलिंग पॉइंट निकल आएगा 140 mm। तो 740 से आप 140 mm जब निकल देगा तो इसमें बचेगा 600। देन ये जो इक्वल 90 डिग्री है उसका ट्रैवलिंग पॉइंट उसका जो डिस्टेंस निकल देने का, तो इसका डिस्टेंस हो गया हमारा जो इसका जो 90 का जो ट्रैवलिंग पॉइंट का डिस्टेंस वो हो गया 105 mm, जो पहले से शुरुआत में आपको दिखाया, तो वो हो गया 105 mm प्लस ये जो ट्रेकर साइज वो हो गया 200 mm, तो टोटल 305 mm। ट्रेकर साइज 200 mm प्लस इसका ट्रैवलिंग पॉइंट 105 mm, टोटल 305 mm। तो 600 से 305 mm माइनस कर देना है। जब 305 mm आप माइनस करेगा तो इसको बचेगा 295 mm। तो ये जो इक्वल 90 का जो मार्किंग किया, इसका लास्ट वाला मार्किंग से देख सकता है, ध्यान से देखिए, ये लास्ट वाला मार्किंग से आपको कंटिन्यूसली मार्किंग करना है। तो कितना आया, 295 mm से, देन 295 mm मार्किंग कर लेना है। तो देख सकते हैं इधर हम 295 mm में हमें मार्किंग कर लिया। देन इसके जो ट्रैवलिंग पॉइंट हम 200 mm रहेगा, तो इसमें कितने कटिंग में बनाना है आपको, कितना कटिंग में बनाना है जो राउंड टाइप 90 डिग्री वो डिसाइड करना है। तो जैसे कि अभी हम 7 कटिंग में एक 90 डिग्री बना रहेगा, तो इसके लिए इसको 200 को डिवाइडेड करना है 7 से,
200 से आप डिवाइडेड करेगा 7 से, तो इसका कितना mm करके कटिंग करेगा वो निकल आएगा। तो जब 200 को हम 7 से डिवाइडेड करेगा तो इसको 28 करके कटिंग करना है, तो 7 बार उसको कटिंग करना है। इस तरीके से इसको कॉलर का साइड में मार्किंग करना है 7 बार 7 कटिंग में। हमको एक राउंड टाइप 90 डिग्री चाहिए, तो इसके लिए इसको 28 करके मार्किंग कर लेना है। इस तरीके से इसको 28 करके मार्किंग करना है आपको यार। देन ये 200 का जो ट्रैवल पॉइंट है उसके अंदर अंदर आपको होना चाहिए। देख सकते हैं ये 200 है, ये लास्ट वाला मार्किंग से ये एंड लास्ट वाला मार्किंग हो गया 200 mm, ये ट्रैवल पॉइंट हो गया 200 mm। देन इस तरीके से इसको दोनों साइड में कलर का साइड में इसको मार्किंग करना है, क्योंकि ओनली ये जो राउंड 90 डिग्री मेकिंग करेगा इसका ओनली कलर साइड में कटिंग आएगा। तो इस तरीके से इसका ओनली कलर का साइड में मार्किंग कर लेना है, क्योंकि इसका बैक साइड नहीं काटना है, इसका ओनली कलर का साइड काटना है। हम इसको एक राइजर इन राइजर इन आउटसाइड 90 डिग्री मेकिंग कर रहा है, तो इस तरीके से इसको जब आप राइजर 90 डिग्री आउटसाइड 90 डिग्री मेकिंग करके इसको इस तरीके से कलर का सेट में मार्किंग करके ओनली कलर का सेट काटना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से 7 बार इसको 7 टाइप 7 बार इसको मार्किंग कर लेना है। देन इसको फॉर्वर्ड तरीके से कलर का सेट में भी मार्किंग करना है, और ये कटिंग आएगा ओनली सीधा स्ट्रेट इसका कटिंग आएगा। तो इसको मैं कटिंग करके भी दिखाऊंगा आपको किस तरीके से इसको कटिंग करना है। तो प्लीज़ अगर मेरा चैनल में आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड कमेंट शेयर करिए, और बेल आइकन को क्लिक करके रखिए जैसे कि नया नया वीडियो अपलोड होने का टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कोशिश करता हूँ रोज़ कोई ना कोई डिफरेंट टाइप का एक वीडियो अपलोड करने के लिए, तो आप लोग को कुछ देने के लिए। प्लीज़ कुछ जानकारी लेना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग का साथ आपका फर्स्ट रिक्वेस्ट है मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे को सपोर्ट करिए, जैसे कि हम कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ आप लोग का साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि अभी ट्रे का काम जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें अभी गल्फ में अवेलेबल जॉब भी है। तो जो लोग ये ट्रे का काम सीखना चाहता है और गल्फ में आना चाहता है, तो प्लीज़ आपको लिए ये मैं विश्वास करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सपोर्ट आएगा, बहुत ही हेल्पफुल आएगा, तो इसके शेयर करिए। तो देख सकते हैं इस तरीके से इसको ओनली जो सीधा सीधा इसको कटिंग करना है, क्योंकि हम इसको एक राइजर एस्टेट 90 राइजर एक 90 डिग्री बना रहा है राउंड टाइप, तो इसके लिए इसको सीधा कटिंग करना है, जिससे कि इसको मार्किंग करके सीधा कटिंग कर लेना है।
व्यूअर्स देख सकते हैं इस तरीके से इसको काटना है। और ये जो इक्वल 90 डिग्री है उसका बैक साइड को कटिंग करके बैक देना है, और इसका कॉलर का साइड में थोड़ा सा रखना है इसको कॉलर का साइड में बोल्टिंग करने के लिए। इस तरीके से इसको काटना है। प्लीज आबार आपको मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, जैसे कि नया नया वीडियो अपलोड होने का टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अच्छे तरीके से इसको प्रॉपरली 1 mm कटिंग रूल से काटना है। तो इसको क्लीन भी अच्छे से क्लीन कर लेना है, क्योंकि कटिंग करने के बाद ये बहुत साफ होता है, ये साफ को निकल देना है अच्छे से क्लीन करके। और कोशिश करिए जो भी ट्रे का काम करेगा उसको क्वालिटी फुल ट्रे मेकिंग करने के लिए। अगर आपका काम में क्वालिटी है तो आपको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। तो इस तरीके से इसको क्वालिटी में क्वालिटी मेंटेन करना है। देख सकते हैं ये जो कटिंग करके 90 डिग्री बनाया, इसमें बीच में कोई भी गैप नहीं है, एकदम बराबर 0-0 कटिंग हुआ और देखने के लिए भी बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीके से इसको अच्छे से मेकिंग करना है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और मेरे को सपोर्ट करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह बहुत जल्दी से डिफरेंट टाइप का एक वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो वो भी देख सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकता है। अगर आपका कुछ सवाल है, कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकता है, या कमेंट्स भी कर सकता है, कमेंट्स भी करके पूछ सकता है। तो इस तरीके से एक राइजर 90 डिग्री एंड एक इक्वल 90 डिग्री एंड देन 200 mm रिड्यूसर मेकिंग किया। तो ये फॉर्मूले के थ्रू आप कोई भी केबल ट्रे को आप मेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला सेम ही होता है, ओनली जस्ट ट्रे का साइज डिफरेंस होता है, वो साइज़ के हिसाब से आपको वही हिसाब से मेकिंग करना है। और ट्रे का सब फॉर्मूला सेम ही होता है, सेम फॉर्मूला से आपका कोई भी ट्रे को आप मेकिंग कर सकता है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।